Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss UGC NET law exam paper of June 2024. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. And agar aapko ye video achhi lagi ho to zarur like kijiyega, share kijiyega apne friends ke sath. And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So let's move to the question. This is part 2. Question number 51 is, usage represents the twilight stage of customs. Custom begins where usage ends. It is said by, ye kisne kaha tha? Ye kaha tha Stark ne. So 2 iska answer rahega. Next is 52. Cases where the doctrine of supervening impossibility applies. What is doctrine of supervening impossibility? That is doctrine of frustration. Means आपने contact कर लिया और उसके बाद कुछ ऐसी situation arise हो गई जिससे कि contract का performance जो है वो impossible बन जाए. ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? Doctrine of supervening impossibility. After the contract, when some issue situation has arisen which makes the performance of the contract impossible. So that is doctrine of supervening impossibility. What can be the reasons for that? डिफिकल्टी परफॉर्मेंस क्या रीजन हो सकता है? नो. कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी? नो. स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स? नो. आउटब्रेक ऑफ वॉर? यस. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर? यस. सो डी एनी कैन बी द आंसर. 4 इज द आंसर. एंड वेयर इज द प्रोविजन? प्रोविजन इन सेक्शन 56 पैरा 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट इज 53. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इट इज रिसेंडेड. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. दिस इज सेक्शन 64. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 54. अब मैच करना है लिस्ट को. केस है और सब्जेक्ट मैटर रिलेशन. पवन कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, किस पर था ये? पवन कुमार गुप्ता केस कौन सा था? ये जो निर्भया वाला केस था. दिस वाज रिलेटेड टू दैट. दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन अगेंस्ट डेथ सेंटेंस ऑफ अ कन्विक्ट इन निर्भया गैंगरेप केस. तो ए का हो जाएगा 4. कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज ऑन राइट टू डाई विद डिग्निटी. ओके. शाह फैजल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, रेफरेंस टू लार्जेस्ट बेंच फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 मेड एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ JNK. ओके. जनहित अभियान, अभी EWS कोटा पर जो केस आया था, दैट इज दैट वन. तो क्या बन गया इसका? 4312. सो 4312 ये रहा. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 55. अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन सीक्वेंस इन विच दे वर इन द UN चार्टर. सो सीक्वेंस कैसे है देखिए. पहले है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर आती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर ट्रस्टीशिप, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और उसके बाद फिर सेक्रेटेरिएट. तो क्या बन गया है फिर इसका? ADCBE. 3 इज द आंसर. और प्रोविजन कहाँ देख सकते हैं आप इसका? इन UN चार्टर चैप्टर 3 आर्टिकल 7 एंड 8. नेक्स्ट इज 56. अरेंज द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स इन द सीक्वेंस इन विच दे वर इनएक्टेड. तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब इफेक्ट में आया था? देखिए इनेक्ट हुआ था कब? 3 सितंबर 2005. इफेक्ट में कब आया था? 26 अक्टूबर 2006 से. ओके. प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 10-1-2007. ये इफेक्ट में कब से आया था? 1 नवंबर 2007. फिर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, ये आया था कब से? 29 दिसंबर 2007 से. फिर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट फ्रॉम 27 दिसंबर 2016. ओके. तो क्या सीक्वेंस बन गया फिर इसका? ABCD. ये रहा 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 57. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस इज आर नॉट पनिशेबल विद डेथ एज वन ऑफ द पनिशमेंट? किडनैपिंग फॉर रैमसम, यस ये है. सिडिशन पर नहीं था, वैसे भी ये हटा दिया गया सिडिशन. अटेम्प्ट टू मर्डर बाय अंडर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ हर्ट इज कॉज्ड, इसमें है. यस yes, ये है सेक्शन 307. अब कौन सा हो गया ये? भारतीय न्याय संहिता में 109. मर्डर 300 है तो अब हो गया ये 101. वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट
earlier it was 121, now it is 147 in भारतीय न्याय संहिता. तो only B है जिसमें नहीं है, बाकी सब में है. तो 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 58, tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. A definition is given by, this is definition in Limitation Act section 2M. So 3 is the answer. Next 59, what is the period of limitation to file a complaint before commission under the Consumer Protection Act? Kitna period hai usme? That is 2 years. 4 is the answer. Section kaun sa hai? 69 of Consumer Protection Act 2019. Next 60, the geographical indication of goods. Registration and Protection Act provides that. Section 2E defines geographical indication. Ye bilkul theek hai. 2D define goods? No. 2D define karta hai district. Ab fir goods kahan diya gaya hai? Goods provide kiya gaya in section 2F mein. Fir 3 provides for registrar of geographical indication. Ye theek hai. Fir application for registration can be filed under section 11. 7 nahi hai. Toh ye gaya wrong. तो ठीक कौन कौन सा हुआ इसमें? ए एंड सी ओनली. तो 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 61, द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज ब्रॉट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप्स. तो फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विद लेजिस्लेचर है? नो, लद्दाख नहीं है, दैट इज ओनली यूटी. जम्मू कश्मीर विदाउट लेजिस्लेचर? नो, ये विद लेजिस्लेचर है. तो दोनों हो गए रॉन्ग. तो ये लद्दाख वाला सेक्शन है, दिस इज सेक्शन 3 एंड दिस जम्मू कश्मीर वाला दिस सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट. फिर है आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर मेड एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी शैल आल्सो बी एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये बिल्कुल ठीक है. ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 13 में. फिर द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1976 शैल स्टैंड अमेंडेड. ये बिल्कुल भी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सेक्शन 11. So C and D are correct. 3 is the answer. Next 62, arrange the following rights in the chronological order as provided under article 19(1). So sabse pehle kaun sa aata hai? Right to freedom of speech and expression A mein hai. Fir uske baad kya aata hai? Right to assemble peacefully B. Theek hai. Fir form association C. Fir aata hai move freely throughout the territory D. And reside and settle in any part of territory of India E. तो क्या बन गया? E C A D B. E C A D B 4 is the answer. Next 63, अब treaties को match करना है कि किस year में वो adopt की गई या sign की गई. ठीक है, तो Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work ये कब किया गया था? Adopt इन 1886. फिर यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ये हुई थी 1952 में. पेटेंट लॉ ट्रीटी 2000. रोम कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग 1961. तो क्या बन गया? 3142. तो 3142 ये रहा. 3 इज द आंसर. ये क्वेश्चन है आईपीआर से. Next 64, arrange the following in chronological order as per the Sale of Goods Act. Right of unpaid seller, section 46. Condition and warranties, section 12. Transfer by non-owner, section 27. Auction sale, 64. So, kya ban gaya fir? CBAD. CBAD, 2 is the answer. Next 65. In which of the following case Supreme Court held that Article 14 and 21 are important source of the right to clean environment and right against adverse effect of climate change? So, ये केस था M.K. Ranjit Singh versus Union of India. 2 is the answer. बहुत चर्चा में है ये. कब आया था ये? In 2023. आगे भी इस पे क्वेश्चन आएगा अभी. Next 66, match करना है offences and punishments of IT Act. Tampering with computer resource under section 65. कितनी punishment है इसमें? Up to 3 years and up to 2 lakh rupees of fine. फिर identification theft 66C. Punishment of either description up to 3 years and fine up to 1 lakh.
फिर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस 6B, दिस इज ऑल्सो 3 years एंड अप टू 1 lakh। अब मैं कहूँगा देखिए, अब दोनों ही पनिशमेंट सेम है इसमें, तो इन्होंने देखिए यहाँ पर गड़बड़ कर दी। सी और बी में जो है पनिशमेंट सेम है, 3 years और 1 lakh का फाइन, यहाँ भी आइदर डिस्क्रिप्शन है, और इस सेक्शन में भी 66B और सी में दोनों लिखा हुआ आइदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर। ये अब बी का 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो फिर है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सेक्शन 67, 3 year अप टू 5 lakh का फाइन। तो अब देखिए अगर आप ऑप्शंस देखेंगे इसमें, ए का 3 है, और देखिए ऑप्शन में ए का 3 कहीं पर भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट 67, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट अपॉन द एयर्स ऑफ फादर। तो जो फीमेल की प्रॉपर्टी होती है तो किसको मिलेगी, दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। सबसे पहले जाइए किसके पास, सन एंड डॉटर एंड हस्बैंड, ओके। तो बी सबसे पहले आ गया, देखिए बी 3 जगह है, फिर जाइए किसके पास, एयर्स ऑफ हस्बैंड, फिर आ गया डी, तो बी डी, देखिए यहीं से आपका आंसर आ गया, बी के बाद डी आएगा, तो 2 इसका आंसर हो गया। तो आप समझ जाइए उसके आगे फिर, क्योंकि सबसे पहले चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन एंड हस्बैंड को मिलेगी, चिल्ड्रन नहीं है तो सिर्फ हस्बैंड, तो ए किसके हस्बैंड के उनको मिल जाएगी। फिर किसके पास जाएगी, मदर एंड फादर के पास, ठीक है। अगर मदर नहीं है, अगर फिर कोई भी नहीं है, तो फिर एयर्स ऑफ फादर, उनके उधर भी कोई नहीं है तो एयर्स ऑफ मदर, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 68, द पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 26 ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट इज कितना है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years विद फाइन अप टू 10 crores और विद बोथ, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 69, शिव गौड़ा वर्सेस चंद्रकांत इज अ लैंडमार्क केस ऑन, किस पर है ये, दिस केस इज ऑन ऑप्शन व्हेन माइनर अटेन्स मेजोरिटी, मतलब सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट पर है ये, 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 70, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज आर नॉट रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए वैसे सारे सभी केसेज हैं उनमें जो है आर्टिकल 44 पर बात की गई है, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट लिली थॉमस में जो सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया है, बाकी सब में थोड़ा अच्छे से बात की गई है, तो वैसे तो कह सकते हैं कि ओनली डी आंसर हो सकता है, 3 इज द आंसर, बट मैं कहूँगा कि क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, ये डिलीट होना चाहिए। एनीवेज पेपर पूरा ही जो है कैंसिल हो चुका है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन। नेक्स्ट 71, हुम द फॉलोइंग जूरिस्ट इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो वो थे गिर्क, मेन एक्सपोनेंट। अब प्रोपाउंड किसने की थी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये प्रोपाउंडेड बाय फ्रेडरिक रेडजल, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 72, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डील्स विद असाइलम, असाइलम कितने में है, आर्टिकल 14 में, 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 73, द फ्रेज प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म वाज यूज्ड बाय जुडिशरी इन द केस ऑफ एसआर वुमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 74, इन द केस ऑफ काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियन वर्सेस मिनिस्टर फॉर द सिविल सर्विस 1995, लॉर्ड डिप्लोक हैज लेड डाउन ग्राउंड फॉर रिवर्सिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो वो कौन कौन से थे, इलीगैलिटी, इरेशनैलिटी, प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटी, ठीक है, ये बाकी दोनों नहीं थे, तो ए बी सी इसका आंसर रहेगा, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 75, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज दे आर गिवन इन आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सबसे पहले क्या दिया गया है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है, फिर उसके बाद कस्टम्स, फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड फिर जुडिशियल डिसीजन, तो क्या बन गया, बी ए सी डी ये रहा, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 76, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समराइज लॉ रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी, तो ये था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज नलिनी, राजीव गांधी असैसिनेशन केस, 1 इसका आंसर रहेगा।
Next 77. Every company having net worth of rupees, how much? Of rupees 500 crore or more, and net profit of rupees 5 crore or more, or turnover over rupees 1000 crore or more during any financial year is required to constitute a corporate social responsibility committee of the board. So 2 is the answer. Section kaun sa hai aap bataiye zara, likhiye zara comment section mein. Har bar question aata hai ye CSR se. Next 78, case ko match karna hai, kis se relate karta hai ye. Deputy Inspector General of Police versus S. Samuthiram. ये है ईव टीजिंग पर, लक्ष्मीपुर सिटी यूनियन ऑफ इंडिया सब जानते हैं, एसिड अटैक पर है इस बार इन्होंने बहुत इरिटेट किया. देखिए नंबर जो है ना ये इसके बीच में रख देते हैं, ये साइड में तो लिख सकते हैं ऐसे, बट नहीं, जहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा ना वहीं पर लिखेंगे जानबूझ के कन्फ्यूज करने के लिए, ताकि वो कन्फ्यूज और कन्फ्यूज हो जाए वो. एनीवेज फिर डायरी डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया किस पर है, ये रेप विक्टिम पर है. फिर प्रीति गुप्ता वर्सेज सिटो झारखंड, ये किस पर है, ये क्रुअल्टी पर है. तो क्या बन गया इसका 4312. तो 4312 ये रहा, देखिए 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 79, द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिक्लेयर्ड एनवायरमेंट इज डिफिकल्ट वर्ड टू डिफाइन, इट्स नॉर्मल मीनिंग रिलेट्स टू सराउंडिंग बट ऑब्वियसली दैट इज अ कंसेप्ट विच इज रिलेटेबल टू वट एवर ऑब्जेक्ट इट इज विच इज सराउंडेड. Einstein had once observed, the environment is everything, that is not me. मेरे अलावा जो भी है वो क्या है, वो environment है. तो कौन से केस में कहा गया था, ये था TN गोदावर्मन थिरुमल पद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. अब देखिए ये भी दो केसेस है, 1997 की ही जजमेंट्स हैं, ठीक है ना. एक है सेकेंड SCC, एक है थर्ड SCC, मतलब दो केस है अलग अलग ये. तो ये थर्ड SEC में जो है बोला गया था, और वहां भी सिर्फ रेफरेंस दिया गया था. ये बेसिकली जो वर्डिंग्स थे ये बोली गई थी कौन से केस में, इन KM चिन्नप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पर इन लाइंस को जो है कोट किया गया था. और इसका रेफरेंस, इस केस का रेफरेंस जो है इस केस में त्रिमल पद वाले में दिया गया था. और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं कहूँगा क्वेश्चन ये प्रॉपर नहीं है, बिकॉज ये इसे रेफर नहीं करता. जो स्टेटमेंट है वे तो रेफरेंस जो आ रहा है KM चिन्नप्पा केस से, सो आई वुड से दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन. नेक्स्ट 80, विच प्रोविजन ऑफ पेटेंट्स एक्ट स्टेट्स दैट डिस्कवरी ऑफ एनीथिंग लिविंग, एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, सब्सटेंस अकरिंग इन नेचर इज नॉट पेटेंटेबल. कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये, इन सेक्शन 3C. 2 इज द आंसर. सेक्शन 3 क्या पेटेंट एक्ट का, विच इज नॉट इन्वेंशन, किसको हम इन्वेंशन नहीं बोल सकते, तो वहां लिखा हुआ है सी क्लॉज में. नेक्स्ट 81, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट. रिपीट क्वेश्चन है अगेन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, यस. रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस है, यस. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इंडिया, यस. क्योटो प्रोटोकॉल नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा, ABC ओनली. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू कंपटीशन एक्ट. राघवन कमिटी लेड स्ट्रेस ऑन द इनएक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट, दिस इज करेक्ट. कंपटीशन एक्ट रिप्लेस द MRTP एक्ट, ये भी ठीक है. इट प्रोहिबिट्स ओनली हॉरिजॉन्टल कार्टल एंड नॉट वर्टिकल कार्टल, ये रॉन्ग है. कार्टल किसी भी टाइप का हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सबको ये प्रोहिबिट करता है. फिर सी है, कंपटीशन एक्ट प्रोहिबिट्स ओनली हॉरिजॉन्टल कार्टल एंड नॉट वर्टिकल कार्टल, ये रॉन्ग है. दोनों ही कार्टल्स को जो है प्रोहिबिट करता है, तो ये रॉन्ग हो गया. फिर डज नॉट प्रोहिबिट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, ये रॉन्ग है. तो इसमें दो ठीक हो गए, फिर करेक्ट इसमें बताने था नॉट करेक्ट, ठीक है ना. तो CND 4 इज द आंसर. नेक्स्ट है 83, फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें क्या क्या होता है. प्री एमिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, क्या ये है, प्राइम मिनिस्टर की होती है प्री एमिनेंस. बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यस. लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यस. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस.
तो क्या बन गया, बी सी एंड डी, 4 इज द आंसर। फिर 84, अरेंज द फॉलोइंग रिट्स इन ऑर्डर एज दे अपीयर्स इन आर्टिकल 32। सबसे पहले आपको पता है क्या आता है, हैबियस कॉर्पस, फिर क्या आता है मैंडमस, फिर प्रोहिबिशियो, फिर क्यूओ वारंटो, और उसके बाद सर्चुरारी। तो क्या बन गया, ए सी बी डी ई, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 85, एडल्ट्री वॉज डीक्रिमिनलाइज्ड एंड सेक्शन 497 वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा केस था ये, सब जानते हैं, इट वॉज जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 86, अरेंज द फॉलोइंग जूरिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ। अब देखिए ये क्या रिपीट क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने वीडियो बनाई हुई है जूरिस प्रूडेंस की सब्जेक्ट वाइज वीडियोज में, तो वहां पर देखेंगे ये क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाएगा। तो रूसो जो है इनका बर्थ हुआ था 28th of June 1712 में, जॉन लॉक का बर्थ हुआ था 26th of August 1632, ह्यूगो ग्रोशियस 10th April 1583, बताओ 1583 का बर्थ है इनका, मोंटेस्क्यू 18 January 1689, थॉमस होब्स 5th April 1588। सबसे ओल्डेस्ट कौन हुए फिर, ह्यूगो ग्रोशियस, तो बी पहले आएगा, तो देखिए बी यहां पर एक में ही है, तो यही आंसर बन गया आपका बी, फिर सी, यस, उसके बाद फिर डी, फिर ई, फिर ए, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 87, ए विद इंटेंशन टू किल बी मिक्सेस पॉइजन इन स्वीट एंड प्लेस द स्वीट बिफोर बी, बी हु वाज एंग्री ऑन ए फॉर सम इशू थ्रू द स्वीट्स फ्रॉम द विंडो, राजू अ स्मॉल बॉय हु वाज पिकिंग रैग्स ऑन द रोड फाउंड द स्वीट ऑन द रोड एंड एट द स्वीट एज द कॉन्सिक्वेंस द बॉय डाइज ऑफ पॉइजन, बी हैज कमिटेड। नेक्स्ट 88, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द ऑर्डर ऑफ सेक्शन अंडर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट विल कहां पर, सेक्शन 7 में, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म 14, होल्डिंग आउट 28, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 39, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 69। तो क्या बन गया देखिए इसका, ए बी सी डी ई, तो ये रहा ए बी सी डी ई, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 89, प्रॉपर्टी अरोज बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ रैशनलिस्ट, ये कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी बताना है इसमें, तो ये है नेचुरल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। फिर बी है द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी डेवलप्ड आउट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव प्रॉपर्टी, ये है हिस्टोरिकल थ्योरी। फिर कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये है मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल लेबर, लेबर थ्योरी। तो क्या बन गया इसका, 4321, तो ये रहा 4321, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 90, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो कन्वर्जन है जो सेक्शन 13 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है, डिजर्शन ये है क्लॉज 1B में, क्रुअल्टी 1A में, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ये है क्लॉज 3, फिर वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन ये है क्लॉज 1। तो क्या बन गया, ई सबसे पहले आएगा, तो ई दो में है, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा सी बी, फिर ए, सी बी ए डी, ये रहा 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 91, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एसेंशियल फॉर कस्टम टू बी वैलिड, एंटिक्विटी यस, सर्टेनिटी यस, कंफर्मिटी विद स्टैट्यूट ऑफ लॉ ये रिक्वायर नहीं है, कंटिन्यूअस एंजॉयमेंट ऑफ राइट यस, इनकंसिस्टेंसी विद एग्जिस्टिंग कसम नो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, तो ए बी सी आर करेक्ट, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 92, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग एज पर सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, कहाँ डिफाइन है ये, दिस इज इन सेक्शन 32, शेल्फ प्रोस्पेक्टस 31, डीम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25, प्रोस्पेक्टस 270 में दिया गया है डेफिनेशन में, एवरेज प्रोस्पेक्टस 21 में दिया गया है इन डेफिनेशंस। तो क्या बन गया फिर इसका, सीईबी, तो सीईबी डी ए, 4 इज द आंसर।
नेक्स्ट 93, अब फिर मैच करने हैं सेक्शंस हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डनशिप एक्ट के। तो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज पैरामाउंट कंसिडरेशन, कहाँ मेंशन किया गया सब जानते हैं, सेक्शन 13 है, तो सी का फिलहाल 13 लगा दो। देखो अब सी का जो 4 जो है, देखिए एक में ही है और यही आपका आंसर बन गया। पावर ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन 9 में है, पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन 8 में है, और बैन ऑन पावर्स ये 11 में है। ठीक है, तो 2 इज द आंसर, 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 94, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिलेट्स टू स्त्री धन हैज बीन गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन 14 में ही प्रोवाइड किया गया है, तो 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 95, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एप्लीकेबल, तो केसेस दैट फॉल्स विद इन द सेकंड प्रोविजो टू आर्टिकल 311(2), ये बिल्कुल ठीक है। फिर वेयर एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन इफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, नहीं अगर सिंगल पर्सन पर भी होगा तब भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो अप्लीकेबल होगा ही होगा, तो ये हो गया रॉन्ग। फ्रेमिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस, तो 1 इसका आंसर रहेगा। बट मैं कहूँ थोड़ा क्वेश्चन जो है कॉन्ट्रोवर्शियल है, 1 तो है ही है बट दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। नेक्स्ट 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी मैग्ना कार्टा ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, देखिए रिपीट क्वेश्चन, डिटो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट एज पर मुस्लिम लॉ, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ मैरिज इज लेजिटिमेट इफ बोर्न विद इन 2 लूनर ईयर्स अंडर शिया लॉ, तो देखिए जो शिया लॉ में जो है ये 2 लूनर ईयर्स नहीं है, ये है 10 लूनर मंथ्स, मतलब 10 मंथ्स में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो लेजिटिमेट समझा जाएगा इन शिया लॉ। फिर है ए चाइल्ड बोर्न विद इन 6 मंथ्स ऑफ मैरिज इज इलेजिटिमेट अनलेस फादर एक्नोलेजेस इट, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज इज इलेजिटिमेट इफ बोर्न विद इन, देखिए यहाँ पर आना चाहिए 2 लूनर ईयर्स, तो मतलब ये जो सी और ए जो है यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया, तो ये हो गया रॉन्ग अंडर दी हनाफी लॉ। ओके, फिर ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज इज लेजिटिमेट इफ बोर्न विद इन 4 लूनर ईयर्स अंडर शाफी लॉ, ये मलिकी लॉ में है ये, तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो इसमें सिर्फ बी ठीक है, और देखिए ऑप्शन में जो है बी ऑप्शन के साथ डी दिया हुआ है, तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन भी जो है गलत हो गया, तो क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट 98, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, दैट इज सेक्शन 87, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 99, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉमन टू ऑल 4 जिनेवा कन्वेंशंस एंड मिनी कन्वेंशन विद इन द कन्वेंशंस, 4 कन्वेंशन कौन सी बात कर रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी पेपर में आगे जितने भी कन्वेंशन हैं उन पर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी आएगा आगे, ठीक है ना, दैट इज आर्टिकल 3, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 100, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर इंप्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड डिसीजन टेकन एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, आर्टिकल 253, 2 इज द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 101, केस को बताना है अब किससे रिलेट करता है, ये है क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो रंगयक्कम्मा वर्सेस अलवर सेट्टी ये केस था कोर्शन पर, 1899 की जजमेंट थी ये, मन्नू सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे ये केस है अंडू इन्फ्लुएंस पर, नॉर्दर्न फेल्ट केस ये था एग्रीमेंट ऑन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, फिर रैफल वर्सेस विचलॉस मिस्टेक पर है, तो क्या बन गया 2134, तो ये रहा 2134, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, अब मैच करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्केड्यूल्स दिए हुए हैं, ये स्केड्यूल 2 पार्ट डी किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है प्रोविजंस एज टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, 3 क्या है ऑथ्स एंड अफर्मेशंस है, 4 क्या है एलोकेशन ऑफ सीट्स, 12 म्युनिसिपैलिटी, तो क्या बन गया इसका 3421, देखिए ये रहा 3421, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 103, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड विद रोहिंग्या रिफ्यूजीज,
ये था मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 104, अंडर द कॉपीराइट एक्ट ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन राइट्स शैल सब्सिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ, कितना होता है 25 इयर्स, 3 इज द आंसर। और ये कहां प्रोवाइड किया गया है, अंडर सेक्शन 37 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। नेक्स्ट 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू WTO, WTO इज सक्सेसर ऑफ GATT, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 1995 में था, 96 नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर है टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO इज द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये बिल्कुल ठीक है। WTO हैज सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ए सी एंड डी आर करेक्ट, वन इज द आंसर। 106, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू अमाउंट टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब प्रेजिडेंट रूल आप कब लगा सकते हैं, बिकॉज प्रेजिडेंट रूल अंडर अ स्टेट कब लगाएंगे आप, जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी वहां पर फेल हो गई हो, जहां पर वेयर देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, तो वो क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, तो ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। इन जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट हैज सफर्ड अ मैसिव डिफीट, ये कोई ग्राउंड नहीं है। फिर ए सिचुएशन ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ स्टेट वेयर ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मिनिस्ट्री एंजॉय सपोर्ट ऑफ द असेंबली, तो ये नहीं है। सीरियस एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द मिनिस्ट्री, सिर्फ एलिगेशन हैं यहाँ पर। फिर है स्टेट हैज़ फेल्ड टू कम्प्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिवन बाई द यूनियन इन द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, तो क्या यहाँ पर हो सकता है, आई ऑल्सो डाउट दिस। आई थिंक जब यहाँ पर डू लिखा हुआ है, डू अमाउंट टू, यहाँ पर डू नॉट अमाउंट टू, अदरवाइज होता ना सिचुएशन अमाउंट टू फेलियर, एक क्वेश्चन होता है कि भाई पूछ रहे हैं कि सिचुएशन अमाउंट टू फेलियर ऑफ, अब डू नॉट, डू लगाया इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्होंने मिस कर दिया, आई थिंक मैं कहूँगा क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट 107, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड विद लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल जो है वो आया था डेविस वर्सेस मैन से, तो इसका मतलब कौन सा नहीं है। तो देखिए डेविस वर्सेस मैन, ब्रिटिश कोलंबिया इलेक्ट्रिक कंपनी एंड रेडलैंड वर्सेस लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये केस किस पर है, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल पर है। लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल कहां से आया और किसके किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से। लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल कहता है कि भी किसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी उस एक्सीडेंट या एक्ट को रोकने की, ठीक है, तो उसकी ज्यादा नेग्लिजेंस मानी जाएगी। तो ये था लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। पॉन्टिंग वर्सेस नॉक्स, ये था किस पर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पर केस था ये, तो नॉट रिलेटेड कौन सा हुआ फिर, फोर, फोर इज द आंसर। नेक्स्ट 108, हार्बरिंग ऑफ अ पर्सन हु हैव बीन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली इज एन ऑफेंस पनिशेबल विद, कितनी पनिशमेंट है, 6 महीने की पनिशमेंट है और फिर फाइन और बोथ, तो 4 इसका आंसर हो गया, 4 इज द आंसर। और प्रोविजन कहां पर है, नाउ इन BNSAT सेक्शन 189 सब सेक्शन 7। ओके, नेक्स्ट 109, अरेंज द ऑफेंसेस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम सेंटेंस फॉर द ऑफेंस, तो 379 थेफ्ट है तो इसका जो पनिशमेंट है वो है 3 इयर्स। 417 चीटिंग, 1 ईयर की पनिशमेंट है। 426 मिसचीफ, 3 मंथ्स की पनिशमेंट है। 403 DMP, 2 ईयर्स की पनिशमेंट है। 407 7 ईयर की पनिशमेंट है, तो मतलब आखिर में डी आएगा, तो डी देख लो आखिर में सिर्फ एक में ही है यहाँ पर, ये रहा 4 इसका आंसर होगा। मिनिमम जो है वो ई से ही स्टार्ट है 3 मंथ्स का, तो ई यहाँ पर पहला, तो 4 इसका आंसर रहेगा। नाउ अब सेक्शन 379 हो गया, सेक्शन 303 इन BNS भारतीय न्याय संहिता, बाकी के सेक्शन जरा आप लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में जाकर। नेक्स्ट 110, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द चैप्टर नंबर सीक्वेंस प्रोवाइडेड अंडर द पेटेंट एक्ट, तो एप्लीकेशन फॉर पेटेंट है चैप्टर 3 में जो कि सेक्शन 6 से और 11 तक है। फिर अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशन है चैप्टर 10 में जो कि सेक्शन 57 टू 59 है। फिर पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन है चैप्टर 4 में जो कि 11A
से लेकर और 21 तक है। फिर है देयर बाय ग्रांट ऑफ पेटेंट एंड राइट कन्फर्ड, ये है चैप्टर 8 जो कि 43 से और 53 तक है। फिर है ओपोजिशन प्रोसीडिंग टू ग्रांट ऑफ पेटेंट, चैप्टर 5 है ये, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक। तो क्या बन गया फिर इसका, ए सी ई एंड डी बी, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स गेव द कंसेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, किसने कहा था ये, किसने दिया था ये कंसेप्ट, इमैनुअल कैंट ने, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 112, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसको बोलते हैं, ह्यूगो ग्रोशियस, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। कॉइन द टर्म इंटरनेशनल लॉ किसने कॉइन किया था ये, जेरमी बेंथम ने। पैक्टस ऑन सर्वांडा एंजेलोटी, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी जॉर्ज जेलिंक। तो क्या बन गया, 2143, 2143 ये रहा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 113, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस इन विच दे आर इनएक्टेड, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इनेक्ट हुआ था, एंड ये इनेक्ट किया गया था ऑन, मतलब गजट नोटिफिकेशन आई थी इसकी 23rd of May 1986, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है, कब इनेक्ट हुआ था, 27 दिसंबर 1980। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, 9/9/1972 को इनेक्ट किया गया था, मतलब गजट नोटिफिकेशन इस दिन रिलीज हुई थी। फिर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का है, विद इफेक्ट फ्रॉम 29th of March 1981। फिर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है ये ऑफ 1974, कब इनेक्ट हुआ था, ऑन 23rd March 1974, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा फिर इसका, सी सबसे पहले आएगा, सी ई बी डी ए, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 114, बुक्स एंड ऑथर्स को मैच करना है, द एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस किसने लिखी है ये, हॉलैंड ने। फाउंडेशन ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस जेरोम हॉल। नेचर ऑफ ज्यूडिशियल प्रोसेस कार्डोजो। जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट कैल्सन। तो क्या बन गया इसका, 2413, देखिए ये रहा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 115, अरेंज क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉग्निशन और अडॉप्शन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ इन द गिवन कंट्रीज। इंडिया में सब जानते कब आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, तो उसी ईयर में जो है इस लॉ को, राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ को अडॉप्ट किया गया था। यूएस में अडॉप्ट किया था 1966 में, इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूके में भी फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, यहाँ पर आया था 2000 में। स्वीडन में आया सबसे पहले 1766, इसको बोलते हैं एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन लॉ। अब उसमें और भी कभी मान लो पूछ लें, फ्रांस में आया था 1789 में, एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था इन 1946। तो क्या बन गया इसमें आंसर, डी बी सी ए, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 116, लिस्ट को मैच करना है कंट्री एंड ईयर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, यूके पार्लियामेंट्री कमिश्नर 1967। स्वीडन ओम्बड्समैन सब जानते हैं 1809। इंडियन लोकपाल लोकायुक्त एक्ट तो 2013 का, 2014 में जो लागू हुआ था। फिर महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त, ये 1971 में जो है एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो क्या बन गया इसका, 4312, तो 4312 देखिए ये रहा, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, द क्रिमिनल केस पावर टू ग्रांट कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ क्राइम कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, विक्टिम कंपनसेशन जो है कोई भी कोर्ट कर सकता है, ट्रायल कोर्ट, अपलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है ना। तो एबीसीडी आंसर रहेगा, 4 इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है, 357 ऑफ सीआरपीसी, अब क्या हो गया, 396 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऑलराइट,
नेक्स्ट 118 अरेंज द फॉलोइंग केस इन सीक्वेंस ऑफ ईयर इन विच दे वर डिसाइडेड. तो डोनोवी वर्सेस स्टीवनसन ये डिसाइड हुआ था इन 1932. आप बोलेंगे डोनोवी इसमें वी कहाँ है, जो जी एच यू ई होता है ये घ्यू नहीं होता, ये वी बोलते हैं इसको डोनोवी, ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट डोनोवी वर्सेस स्टीवनसन. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुहाग बनती है, केस आया था 1966 में. चंदूलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989. श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1974. तो क्या बन गया, ए बी डी सी. तो ए बी डी सी ये रहा, थ्री इज द आंसर. नेक्स्ट 119 अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कहाँ से किए गए. तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया था, यूके से. इंडिपेंडेंस जुडिशियल रिव्यू यूएसए. स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कैनेडा. अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका. तो फिर क्या बन गया, 4312. तो ये रहा 4312, थ्री इज द आंसर. नेक्स्ट 120. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी टू ऑब्टेन एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स अकरिंग इन इंडिया और नॉलेज एसोसिएटेड देयर टू फॉर रिसर्च फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन और बायो सर्वे और बायो यूटिलाइजेशन. तो किसको जरूरत नहीं है लाइसेंस लेने की, मतलब प्रीवियस अप्रूवल की. तो नॉन सिटीजन को है, इंडियन सिटीजन हु इज नॉन रेजिडेंट इनको भी है, बॉडी कॉर्पोरेट को है, लोकल रेजिडेंट ऑफ द एरिया उनको जरूरत नहीं है. तो टू इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा, ये सेक्शन है ये 3 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. पहली बार क्वेश्चन देखा मैंने इस एक्ट से. ये इस बार कई नए एक्ट से क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट 121. अब फिर से क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है एज पर डेट ऑफ द डिसीजन. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज सकल हिम्मतलाल सेठ 1977 का डिसीजन है ये. एसपी गुप्ता 1 यूनियन ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट जजेस केस जो बोलते हैं, दिस वाज द वन 1981 में डिसाइड हुआ था. डेली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, ये है 1991 की जजमेंट. फिर अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2023 की जजमेंट है. तो क्या बन गया, 1 2 3 4, मतलब ए बी सी डी, 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 122. सेक्शन 168 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रिक्वायर्स द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन विच मस्ट बी, क्या होना चाहिए, एडवोकेट फेयर जस्ट या फिर लिविंग. जस्ट होना चाहिए, जस्ट लिखा हुआ सेक्शन में, 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 123. द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नोन एज डिजिटल सिग्नेचर, 4 इज द आंसर. सेक्शन 21P देखिए, वहां पर एक्सप्लेनेशन देखिए, वहां पर मेंशन किया गया है ये चीज. नेक्स्ट 124. ए गिफ्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी विद ऑब्जेक्ट ऑफ अक्वायरिंग सम रिलीजियस बेनिफिट इज नोन एज, क्या होता है वो, इसको बोलते हैं सदका, 3 इज द आंसर. अरियत क्या होता है, इट इज अ राइट ऑफ ईजमेंट, मतलब गिफ्ट कर दिया, राइट ऑफ ईजमेंट कि भाई अपने लाइफ टाइम तक आप इसको एंजॉय कर लो. नेक्स्ट 125 केस लेट करना है अब फिर से. अशोक हुरा वर्सेज रूपा हुरा, किस पर था ये, दिस केस वाज ऑन डाइवोर्स. चिनमुनिया वर्सेज वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, ये तो किस पर था, लिव इन रिलेशनशिप पर. सेशन 125 मेंटेनेंस पर था ये. दास्ताने वर्सेज दास्ताने, दास्ताने की दास्तान जो है क्रुअल्टी की थी, तो इसमें 1 रहेगा. फिर गीता हरिहरन वर्सेज आरबीआई, गार्जियनशिप पर, इवन मदर कैन बी नेचुरल गार्जियन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, है ना. तो क्या बन गया, 4213. तो 4213 देखिए ये रहा, 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 126. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द प्रोविजन अंडर कंपटीशन एक्ट. तो कंपोजिशन ऑफ कमीशन कहाँ है, सेक्शन 8 में है. कॉम्बिनेशन सेक्शन 5 है. अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन 4 है. एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट 3 है. रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस 6 है. तो क्या बन गया फिर इसमें, तो DCBEA ये रहा, 3 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 127. फॉलोइंग प्रोविजन आर इंसर्टेड टू द कॉपीराइट एक्ट बाय अमेंडमेंट ऑन सेवरल ओकेजंस. अरेंज द प्रोविजन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर डेट ऑफ इट्स अमेंडमेंट. अब देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहां पर. देखिए अब ये अमेंडमेंट पूछ रहे हैं, इनको सवाल ऐसे पूछने चाहिए, दे शुड आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट दैट वुड बी यू नो useful and relevant to the students.
and to the examiner as well. Ab amendment, what is the point of asking this? So this section 31B, compulsory license for benefit of disabled, this came by the amendment of 2012 with effect from 21st of June 2012. Phir 42A, power to restrict rights of foreigner broadcasting organization and performers. This came by the amendment of 1999 with effect from 15 January 2000. Okay. Then 53A, resale share rights in original copies. This is amendment of 1994 with effect from 10 May 1995. Then 28A, term of copyright in work of public undertaking. This is the amendment of 1983 with effect from 9th of August 1984. Okay. तो सबसे पुरानी अमेंडमेंट तो 28A की हो गई, तो डी सबसे पहले आएगा, तो डी देखिए ये रहा, यही आंसर हो गया। और आप बाकी मैच कर लीजिए, बिकॉज देखिए नेट के पेपर में ना सारे मैच करने जरूरी है, बिकॉज इनके ऑप्शंस ना मैक्सिमम टाइम गलती होते हैं। तो फिर 1994, फिर 99, CBA 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 128, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। सोशल सॉलिडारिटी डुगेट की थ्योरी है, यस। ग्रैंडनॉम हांस कैल्सन, यस। फिलोसोफिक कैलकुलस, ये किसने थ्योरी दी थी? इस थ्योरी ऑफ बेंथम, नॉट ऑस्टिन। ओके, ये इनकरेक्ट हो गया। वॉगजिस्ट 70, यस। सोशल इंजीनियरिंग, रॉस्को पाउंड, है ना। तो दो गलत हो गए, सी एन ई, तो 2 इज द आंसर। एक्सिस 129, अरेंज द फॉलोइंग केस इन द सीक्वेंस ऑफ द ईयर इन विच दे वर डिसाइडेड। पैकेट हबाना केस, दिस वाज डिसाइडेड इन 1900। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। जोली जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ कोचीन 1980। हैबियस कॉर्पस केस कौन सा है? एडीएम जबलपुर वर्सेस शिविकांत शुक्ला, दिस वाज डिसाइडेड इन ईयर 1976। तो क्या सीक्वेंस बन गया फिर इसका? ए डी सी बी, तो ये रहा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 130, अब लिस्ट मैच करनी है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया पर केस कौन सा है? हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, इनएविटेबल एक्सीडेंट, स्टैनले वर्सेस पावल, एक्ट ऑफ गॉड, निकलस वर्सेस मार्शलैंड्स, नेसेसिटी, कॉप वर्सेस शार्प। तो क्या बन गया इसका? 3142, 3142 ये रहा, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 131, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ कंसर्निंग द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। हु प्रोपाउंडेड द अबव डेफिनेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज डेफिनेशन ऑफ केसी डेविस, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 132, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट? तो कौन कौन से हैं? 48A तो है, आर्टिकल 21 एंड 51AG। अब 21 कैसे, अभी पता लग जाएगा, देखिए इस ये केस में डिसाइड हुआ था, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सेम केस पर, ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे भी कई क्वेश्चन आएंगे। तो क्या बन गया? BCD, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 133, अभी जिनेवा कन्वेंशंस पर एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वही उन चार कन्वेंशंस पर ही फिर से क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्वेश्चन गलत है कैसे। फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन हुई थी 1929 में, सेकंड भी 29 है, ये भी सब 29 है, या 49 लिखा हुआ है, ठीक है। बट एनीवेज आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1929 किस पर थी? वो ऑन फील्ड्स एंड लैंड्स, सेकंड सी, थर्ड इज ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, एंड फोर्थ ऑन सिविलियन राइट्स। तो क्या बन गया? 1243, तो 1243 ये रहा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 34, व्हाट इज द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट डिफाइंस द ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स कहां पर डिफाइन है? इन सेक्शन 2D, 3 इज द आंसर। 2B क्या है?
चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, टू सी क्या है कमीशन, टू ई क्या है ह्यूमन राइट्स कोर्ट. नेक्स्ट 135, लॉ इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड मेड बाय हिम हु हैज द केयर ऑफ कम्युनिटी एंड प्रमल्गेटेड. ये किसने कहा था, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेंट थॉमस एक्विनास. टू इज द आंसर. नेक्स्ट 136, सो ये क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट से, तो केस बताना किससे रिलेट करता है ये. तो ये कोंडोलिटी एस्टेट, ये है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस पर. गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, ये केस है फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट पर. फिर स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस CTO कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ये केस रिलेट करता है कंपनीज नॉट अ सिटीजन से. फिर एंथो वर्सेज पीटर शकोफमैन ब्रूइंग कंपनी लिमिटेड, ये किससे रिलेट करता है फॉर बेनिफिट्स ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, तो क्या बन गया इसका 2134. तो ये रहा 2134, 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 137, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड दैट टिल द लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शैल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on the basis of advice tendered by the committee consisting of PM, leader of opposition in Lok Sabha, and where there is no leader of opposition, the leader of largest party in the opposition in the Lok Sabha having largest numerical strength and Chief Justice of India. तो कौन सा केस था ये? तो ये केस था अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. वन इज द आंसर. नेक्स्ट 138, अभी आईपीसी की डेफिनेशन है. इंजरी कहां पर है? 44 में, रीजन टू बिलीव 26, एनिमल इन 47, कोर्ट ऑफ जस्टिस 20. अब देखिए, अब बीएनएस आ गया है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन याद करनी है. तो 47 जो है एनिमल, ये हो गया है सेक्शन 22. फिर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट हो गया है ओनली 25 में है. फिर इंजरी कहां चली गई? 214 में. रीजन टू बिलीव हो गया 229. ओके, तो क्या बनेगा अब इसमें? 3412 ये रहा, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 139, तुहर मींस, तो तुहर का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ प्योरिटी. क्या होता है? पीरियड ऑफ इम्प्योरिटी नहीं, प्योरिटी होता है. एंड पीरियड बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन कोर्सेज या फिर साइकिल्स. ओके, तो 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 140, डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेन इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 2(1) ऑफ यूएन चार्टर. 1 इज द आंसर. अब आगे पैराग्राफ 5 क्वेश्चंस. आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट, ये 51. अब ये 51A की क्लॉज जी है और दैट स्टिपुलेट्स. फिर आर्टिकल 20 रिकॉग्नाइजेस राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ, व्हाइल 14 इंडिकेट दैट ऑल पर्सन शुड हैव इक्वालिटी. देखिए 48A, 51A जी एंड आर्टिकल 21. तो मैंने अभी बताया था कि जो केस है उस पर 2 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और अब 5 क्वेश्चन उसी केस पर हैं ये. तो इसका क्वेश्चन देखते हैं पहले. तो क्वेश्चन नंबर इज 141, द अबव पैराग्राफ रिफ्लेक्ट्स द जजमेंट इन द केस ऑफ. देखिए आ गया ना, केस का नाम पूछा है. पैराग्राफ से मतलब नहीं, पैराग्राफ से क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना. तो ये केस है एम रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही चर्चा में है ये. 1 इज द आंसर. किस पर केस था ये? टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है. 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 142, द मार्जिनल नोट ऑफ आर्टिकल 48A. मार्जिनल नोट मतलब उसकी हेडिंग क्या है. प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स प्लेसेस ऑब्जेक्ट, ये कहा है? आर्टिकल 49 है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 48 है. प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये नहीं है. एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है कहां पर? 48A में. तो 4 इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 143, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एनफोर्सिएबल, का मेंशन किया गया है इन आर्टिकल 37. नेक्स्ट 144, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 51A जी इन द कॉन्स्टिट्यूशन.
अब देखिए जो आर्टिकल 51A क्या है, इट इज फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, कब आया था, बाय द 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तब उसमें 10 ड्यूटीज थी ए टू जे तक, है ना। फिर उसमें 11th ड्यूटी जो है के ऐड किया गया बाय द 86th अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 2010, ठीक है। तो अमेंडमेंट पूछी हुई है कौन सी अमेंडमेंट है, 42nd, तो 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 145, राइट टू एनवायरमेंट बिलोंग्स टू विथ जनरेशन ह्यूमन राइट है ये, दिस इज 3rd जनरेशन ह्यूमन राइट, 3 इज द आंसर। अब देखिए पांचों क्वेश्चन है उनका पैराग्राफ से कोई रेलेवेंसी नहीं है, कि आप सोच रहे हो कि पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के हम इसको आंसर कर देंगे इन क्वेश्चंस को, तो ऐसा होने वाला नहीं है। देयर इज नो रेलेवेंसी ऑफ द पैराग्राफ एंड द क्वेश्चंस, यू कैन नॉट आंसर दीज 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, अब ये 146 से 150 तक है। फॉर एनी रिलीजन मठ सेक्ट बॉडी सब सेक्ट, सो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड दिस पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 146, विच प्रोविजन ऑफ केरला हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल वाज डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस। अब देखिए कहां से उठाए क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, अभी आएगा आगे देखिए केस का नाम। तो उस केस में जो है रूल 3B को जो है अल्ट्रा वायरस कर दिया गया था ऑफ दिस केरला एक्ट, तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 147, विच अमंग द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू राइट टू रिलीजन, कौन सा केस नहीं है। ये जो रामेश्वर प्रसाद और यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज ऑन प्रेसिडेंट रूल, है ना। तो 4 इसका आंसर रहेगा, बाकी ये सब जो है राइट टू रिलीजन पर ही है। नेक्स्ट 148, पैराग्राफ इज अ पार्ट ऑफ द केस वेयर इन डिसेंटिंग जजमेंट वॉज डिलीवर्ड बाय, डिसेंटिंग जजमेंट किसने दी थी इस केस में, दैट वॉज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन फेथ है यस, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है यस, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मस्ट नॉट हैव ए कॉमन नेम, दे कैन हैव ए कॉमन नेम, सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए यस, तो 3 इसमें आंसर रहेगा, नॉट अ कंडीशन। नेक्स्ट 150, द पैसेज इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, देखिए इसलिए मैंने पहले केस का नाम नहीं बताया बिकॉज ये क्वेश्चन ही उस केस पर डिपेंड है। तो ये केस था इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018, 3 इज द आंसर। याद आया कुछ कौन सा केस है ये, दिस इज द केस ऑफ सबरीमाला टेम्पल एंट्री फॉर वुमेन, ठीक है ना, इसीलिए जो है ये यहां पर राइट टू रिलीजन की बात कर रहे हैं, और डिसेंडिंग जजमेंट जो है जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने दी थी इस केस में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट लो एग्जाम पेपर ऑफ जून 2024 जो कि कैंसिल कर दिया गया था। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं, वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर, आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।